में किस प्रकार का कष्ट है या साधना नहीं कर सकते या कोई अड़चन है आप में, साधना नहीं हो रही है आपसे, साधना हो। गुरु जी की परंपरा में साधना को ही श्रेष्ठता दी गई। अपने में साधना करते समय अनुकूलता ना हो, अपन अनुकूलता नहीं कर सकते, गुरु वचनों का पालन नहीं कर सकते, हमारे शरीर हमें साथ नहीं देता, या हमारे दूसरे कोई अड़चने हैं, या हम देवता की सिद्धियाँ नहीं कर सकते, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारे जीवन में ऐसा क्षण आए गुरु जी कहें और हम उनकी गुरु जी की बातों को ना कर सकें, ना कह सकें, साधनाएँ ना कर सकें, चाहे किसी भी तरह की अड़चन हो, शारीरिक, मानसिक या फिर भौतिक साधनाएँ, कोई भी हमारे में अड़चन निर्माण करती हो, हमारा शरीर साथ न देता हो, हमारा मन चंचल हो जाता हो, हमारा मन काम न करता हो, इस समय हम कौन सी साधना करने से हमारे कोई अड़चने दूर होकर हम साधना में एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और हम साधना को सिद्ध कर सकते हैं, इसके बारे में भी साधनात्मक दृष्टिकोण से एक बार गुरु गोरखनाथ जी ने अपने मच्छिंद्रनाथ जी अपने गुरु से पूछा था कि जब मनुष्य में आलस्य आ जाए, मनुष्य में साधना करने की क्षमता ना हो, साधना ना कर सकें, उस समय उसको साधना में साधना का मार्ग बताने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरह आगे बढ़ने से साधनाएं संपन्न होगी या वो सिद्धि प्राप्त कर सकेगा या गुरु के वचनों को सुनकर गुरु कृपा को प्राप्त करेगा। एक गुरु कृपा को प्राप्त करने की हम किस प्रकार गुरु कृपा को प्राप्त करें और गुरु कृपा को प्राप्त कर हम साधना में सिद्धि होकर गुरु को प्रसन्न है। जब गुरु प्रसन्न होता है तो सारे देवता प्रसन्न होते हैं, सारे देवता प्रसन्न होते हैं तो सारे कार्य सिद्ध होते हैं, सारे कार्य सिद्ध होते हैं तो हमारे शरीर हमें साथ देने लगता है। मैं ये मंत्र कहीं नहीं लिखता, आप अपना कागज लिख लो, ले लो और मैं मंत्र बोलता हूँ वो कागज पर लिख लो और 1000 मंत्र उस मंत्र को करे तक यहाँ से उठना नहीं, देखता हूँ आपकी साधना करें। आपको यह प्रायश्चित के रूप में करना है, जो साधक अपने आप को मानता है, जिसने गुरु दीक्षा ली है, जो गुरु मंत्र जब करता है वो इस साधना को संपन्न करें, जो नहीं करता है वो यहाँ से उठ के चले जाए, मैं उसको इस बारे में सीधे तरीके से कहता हूँ। क्योंकि आप साधना नहीं करेंगे तो मुझे पसंद नहीं आता, गुरु कृपा प्राप्त नहीं करेंगे तो उसका मतलब ही नहीं रहा। सारे संसार में बहुत सारे लोग पढ़े हैं, पूरा संसार पढ़ा हुआ है, सिनेमा देखने, टीवी देखने, मोबाइल देखने के लिए सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक साधनात्मक दृष्टिकोण से यहाँ आए हो तो साधनात्मक दृष्टिकोण से ही चलो। मैं जिस मंत्र को बोल रहा हूँ उस मंत्र को आपके हाथ से लिख लो, अक्षरों से लिख लेकर उस मंत्र को करो। 1000 मंत्र करने तक आसन से नहीं उठना चाहिए। गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे शरीर को आपका जप करने के लिए अनुकूल करो, आपकी साधना करने के लिए अनुकूल करो, हे प्रभु मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, आपके प्रसन्नता के लिए जीऊं, आपके प्रसन्नता के साथ रहूं, आपके प्रतिकूल में कभी बात नहीं करो, अब मेरे मन तन से भी धन से भी कभी आपके प्रतिकूल एक भी वचन ना निकले, मैं आपके किए हुए हर कार्य को संपन्नता के साथ करते हुए आपके प्रसन्नता का कारण बनो, आपके कृपा पात्र बनो, ये मन में संकल्प रखते हुए अपने शरीर को सुदृढ़ बनाते हुए गुरु के अनुकूल बनाने के लिए इस मंत्र को करना चाहिए। 1000 मंत्र एक ही आसन पर बैठ करना चाहिए। मंत्र बोल रहा हूँ, मंत्र लिख लो। ओम नमो परमात्मने परब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। फिर एक बार बोलता हूं, ओम नमो परमात्मने। जो साधक यहाँ बैठे हुए हैं लिख लें, अपने कागज पर मंत्र को लिख लें, लिख लेकर मंत्र को करें, एक ही आसन पर बैठे हुए, कागज नहीं है तो कागज मंगवा लें। ओम नमो परमात्मने परब्रह्म मम शरीरे पाहि पाहि कुरु कुरु स्वाहा। आपका शरीर साथ ना देता हो, साधना करने में अनुकूल ना हो, मन चंचल हो, आप कहीं कर रहे हैं तो इस मंत्र को करके गुरु जी से प्रार्थना करें कि मुझ पर कृपा करें कि मैं सारी साधनाएं संपन्न कर सकूं। మీ జీవితంలో ఎప్పుడైతే సాధన చేయడానికి మీ శరీరం అనుకూలించదో, మనస్సు చంచలంగా ఉంటుందో,
మనం చేయలేని పరిస్థితి ఎప్పుడుందో, డబ్బుల రూపేణా కానీ ఇంకేమైన పైసలకి కారణం హం సాధనా నహీ కర్ సక్తే తబ్ భీ యా కభీ భీ హమే యే అగర్ కర్నా హై తో ఇస్ మంత్ర కో జరూర్ కర్నా హై ఏక్ హీ ఆసన్ పర్ బైఠ్ కర్ 1000 బార్ ఇస్ మంత్ర కో కర్నా హై కౌన్ సీ భీ మాలా సే యే మంత్ర చల్ సక్తా హై మంత్ర ఫిర్ ఏక్ బార్ బోల్ రహా హూం లిఖ్ లో మంత్ర మళ్ళా ఇంకోసారి అనుకోండి మామా సతీష్ రెడ్డి నిద్ర ఇంకా పూర్తి కాలేనట్టున్నది మంత్రం రాసుకోండి ఓం నమో పరమాత్మనే పరబ్రహ్మ శరీరే మమ శరీరే పాహి పాహి కురు కురు స్వాహ లిఖ్ లియే హై కిసీ భీ మాలా సే ఆప్ 1000 మంత్ర ఏక ఆసన్ పర్ బైఠ్ కర్ కరో యే మంత్ర జబ్ తక్ నహీ హోతా తబ్ తక్ ఉఠనా నహీ చాహియే